Hello student, welcome back to my channels and once again everyone welcome to take our new classes and new topics. It's very exciting and very energetic, and today we have discussed one about the characteristics and the features of management. हाँ, हम लोग आज क्या करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. इसमें सेवन पॉइंट हम लोगों को मेंशन किया हुआ है और उन लोगों का थोड़ा थोड़ा करके 10 मिनट के अंदर हाँ टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको देने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे. मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, और टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा टॉपिक पे आते हैं. तो पॉइंट नंबर वन, इसमें क्या लिखा हुआ है सेवन पॉइंट में, हाँ, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल इन पर्पसेस, मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल. पॉइंट नंबर फोर, मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मैनेजमेंट. पॉइंट नंबर फाइव, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटीज. पॉइंट नंबर सेवन, मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन. एंड मैनेजमेंट इज इंटेंजेबल. सेवन पॉइंट, हाँ, बारीकी से हम लोग ये पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बिकॉज थोड़ा हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे. द एम ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दैट मीन्स ऑल एफर्ट ऑफ द मैनेजर टू बी डायरेक्ट टू रीच द गोल. मतलब एक गोल सेट करना और गोल को हम लोग अचीव करना ही मैनेजमेंट का क्या है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये लेते हैं, इफ द गोल ऑफ 20,000 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्शन इन ए मंथ, देन द मैनेजर विल टू मोटिव द एम्प्लॉय एंड विल ऑर्गेनाइज द रिसोर्स इन द सच वे that the transit the production in reach the time. मतलब ये क्या है कि 20,000 यूनिट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सोचता है, मतलब वो 20,000 यूनिट के लिए कितना रिसोर्स चाहिए, सभी को एक साथ कलेक्ट करना और जो टाइम सेट किया उस टाइम में उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस करेगा, मतलब एक गोल, क्या गोल, 20,000 यूनिट, उसको क्या करेंगे, एक टाइम में हम लोग निकलने के लिए बा कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेस है, मतलब मैन मशीन मटेरियल सभी को एक साथ करके उन लोगों को कंप्लीट करना ही मैनेजमेंट का मकसद है. पॉइंट नंबर वन कंप्लीट. आते हैं दूसरे पॉइंट पर, मैनेजमेंट इज इन ऑल परवेसिव. क्यों है परवेसिव, इसको डिस्कस करेंगे. मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल फेनोमेना, मतलब जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, जो मैनेजमेंट का जो एक्टिविटीज है, सभी को जोड़ के ये सभी में हम लोगों को दिखाई दिया हुआ मिलता है. क्योंकि द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड. हम लोग कोई भी अगर देखे तो हमेशा उसको मैनेजमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा. मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो अगर हम लोग स्कूल या कॉलेज जाते हैं, मतलब एक स्टूडेंट के लिखने के लिए क्या चाहिए, मतलब एक पेन, एक नोटबुक, एक बुक, हाँ, क्लास 12 तक चाहिए और डिग्री तक कोई बुक्स का कॉलेज में ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं. मतलब ये सभी चीजों को क्या करना, एक साथ जुटाना. लिखने के लिए अगर कागज है, कलम नहीं है, तब भी नहीं लिख पाएंगे हम लोग. हाँ, पेन है लेकिन नोटबुक नहीं है, कागज नहीं है, तब भी हम लोग नहीं लिख पाएंगे. मतलब एक एक चीज को बारीकी से जोड़ना और उनका पूरा उपयोग करना ही मैनेजमेंट का मकसद है. मतलब ये पारदर्शी है. ये स्टूडेंट हो, कहीं रसोई घर में खाना बनाना हो या कहीं पर भी हो,
हम लोगों को क्या मिलेगा, इसका पूरा ही हम लोगों को रिप्रेजेंट मिलता है। तो इसीलिए हम लोगों को ये कहता मैनेजमेंट मानता है कि मैनेजमेंट इज इन ऑल परफेक्शन। आस्ती है तीसरे पॉइंट पर, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन है। हाँ, इसमें हम लोगों को तीन पॉइंट हम लोग बारीकी से समझना पड़ेगा इस पॉइंट को समझने के लिए। हाँ, बिकॉज मैनेजमेंट इज ऑफ एन वर्क पहला, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तीसरा है मैनेजमेंट इन ऑपरेशन। मतलब मल्टी डायमेंशनल ये तीनों चीज मिलाकर ही होता है। मतलब क्या काम हम लोग करेंगे, पहला पॉइंट, तो इसीलिए कहते हैं मैनेजमेंट टू वर्क। दूसरा पॉइंट, कौन लोग करेगा, किस लोगों से हम लोग ये जो हम लोगों का टारगेट है या वर्क है उसको हम लोग निकालेंगे। तीसरा है मैनेजमेंट इन ऑपरेशन, लोग काम करेगा मशीन के साथ, और सभी सीढ़ियों को ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम लोगों ने पूरा ही टाइम में अगर फिलअप कर दिया तो मतलब क्या मिलेगा, पूरा ही ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा। मतलब एक डायमेंशन में नहीं, हाँ, ये क्या होता है, एक से दूसरे डायमेंशन तक ये घूमता रहता है। आगे बात समझ में तो आते हैं। नंबर पॉइंट फोर पर, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब ये क्या है, जो मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस, इट्स नेवर एंडिंग फंक्शन, ये कभी रुकता नहीं है और ये कभी खत्म हो ही नहीं सकते। मतलब एक टास्क हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, मतलब उसी टाइम से दूसरे टास्क के लिए हम लोग क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। मतलब यही कि जो मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी रुकता नहीं है, कंटिन्यूअसली ये क्या होता है, चलता रहता है। आ गई बात समझ में। मतलब ये फंक्शन जो है मैनेजमेंट का, जो फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टरिंग, कंट्रोलिंग, एरिया ऑफ बाइट ऑल मैनेजर्स एट ऑल टाइम, हम लोगों को पूरा टाइम में यही सब मिला के चलना पड़ेगा। आते हैं पॉइंट नंबर फाइव पर, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। हाँ, मतलब कुछ अगर हम लोगों को बड़ा करना है, कुछ अगर हम लोगों को ज्यादा मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना है, तभी हम लोगों को क्या चाहिए, एक ग्रुप चाहिए। मतलब मैनेजमेंट ऐसा एक ग्रुप क्रिएट करता है टॉप से लेकर लोअर तक। हाँ, सभी का कुछ ना कुछ काम होता है, टॉप प्लानिंग बनाता है, मैनेजमेंट उसको फ्लो करता है, फिर मिडिल लेवल उसको फ्लो करता है, और लोअर लेवल उसको क्या देते हैं, एक्शन देता है। मतलब ये क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी, जो प्लानिंग था उसको सभी मिलके, सभी लोग मिलके उसको क्या करना, कंप्लीट करना है, मैनेजमेंट का मकसद है। और ये एक दूसरा क्या है, एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है और फीचर्स है किसका, मैनेजमेंट का। ठीक है, आते हैं पॉइंट नंबर एट पर, मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। क्यों है डायनामिक फंक्शंस, मैनेजमेंट हैज टू बी द सेंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंट। क्या होता है, ये मल्टी डायमेंशनल इसलिए है, हाँ, बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। जैसा एनवायरमेंट है मतलब वैसा ही काम करना, वो काम इंटरनल हो और एक्सटर्नल हो। मतलब ये क्या है, एक प्रोसेस है, ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब जैसा हम लोगों ने एनवायरमेंट क्रिएट किया, उस हिसाब से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस एनवायरमेंट के हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहता है, मतलब ये इंटरनल भी होगा एक्सटर्नल भी होगा। ठीक है, दे मे बी नीड टू द पीपल टू सेंस द गोल, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी वगैरह वगैरह, सब कुछ जो आता है उसी सब को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को मिलाकर चलना पड़ेगा। और लास्ट जो मैं पॉइंट में बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी है, ये है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मतलब ये है, मैं मैनेजमेंट कैन नॉट बी फील बट नॉट सीन। हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये
मैनेजमेंट हम लोगों को दिखाई नहीं देते, उसको मैसेज करना ही सबसे एक जरूरी बात है। देखो, इफ द थिंग्स आर गोइंग एज पर द प्लान देन विल बी कोशिश द गुड मैनेजमेंट। ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज द कन्फ्यूजन बट कैरी आउट द डिफरेंट एक्टिविटीज देन इट मे बी ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड केस ऑफ मिसमैनेजमेंट। अगर प्लानिंग जो सेट किया उसको कंफर्टेबली अगर चला जा रहा है, मतलब क्या होगा, मैनेजमेंट काम कर रहा है। अगर छोटा सा भी रुक रुक के गया, मतलब स्पीड ब्रेकर लगा के गया, हाँ, तभी क्या होगा, मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे, मतलब क्या हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ये कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ी है उसको दिखाना ही मैनेजमेंट का क्या है, एक एक्टिविटी से एक परफॉर्मेंस है। अरे ये बात, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ इसमें, हाँ, द प्रोडक्शन ऑफ डिपार्टमेंट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द गुड्स एज पर द ऑर्डर एंड सेल्स डिपार्टमेंट इज कंप्लेनिंग द ऑर्डर इज नॉट मीटिंग इन टाइम। इट इज क्लियर द केस ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन अलग है। प्रोडक्शन क्या करेगा, सेल कितना हुआ, ऑर्डर कितना हुआ, उसको मायने रख के प्रोडक्शन करता है। अगर सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को यही ये बात नहीं बताएगा कि हम लोगों को इतना चाहिए, मतलब अभी मार्केट में एक महीने के लिए हम लोगों को 1000 यूनिट चाहिए, यह प्रोडक्शन को नहीं बताया, मतलब प्रोडक्शन सोचेगा कि इस महीने में हम लोगों का ज्यादा सेल नहीं होगा, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा काम करेंगे, मतलब मार्केट में जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं होगा। आ रही है बात समझ में, मतलब ये कोऑर्डिनेशन का क्या होगा, मिसमैनेजमेंट होगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ और सेल्स के साथ। अगर सेल्स ने बोला बोल लिया कि जितना हम लोगों को चाहिए उतना आप लोग प्रोडक्शन कीजिए, 1000 यूनिट हम लोगों को जरूरत है और 1000 यूनिट आप लोग प्रोडक्शन, मतलब ये पॉजिटिव, मतलब एक प्लानिंग की हिसाब से जाने वाला एक प्रोसेस है। ये 7 पॉइंट क्या है, 7 पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है और फीचर्स है। आगे ही बात समझ में, मतलब ये फीचर्स अगर हम लोग छोटा अपॉइंटमेंट लिखेंगे तो गोल ओरिएंटेड, दूसरा है परफेक्शनिस्ट, तीसरा है मल्टी डायमेंशनल, 4 नंबर कंटिन्यूअस प्रोसेस, 5 नंबर ग्रुप एक्टिविटीज, 6 नंबर डायनामिक फंक्शन, नंबर 7 इंटेंजिबल, ये दिखाई दिया नहीं दिया, कोऑर्डिनेशन दिखाई दिया नहीं दिया, मतलब इसको फील करना ही, महसूस करना ही मैनेजमेंट का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई बात समझ में, आई थिंक सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गई, और इसी के साथ आज का टॉपिक यही रखते हैं, और अगले जो टॉपिक बहुत मजेदार होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो टेक केयर एंड सी माई वीडियोज। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।